थैंक यू कॉन्सेप्ट, और देखने से पोस्टर भी देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट होने वाला है जी। व्हाट यू हैव टू से, जब नाम सुना था तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? जुबली टॉकीज, आई रियली लाइक द टाइटल बिकॉज इट्स वेरी अनकन्वेंशनल। आपको बाकी टेलीविजन शोज पे आप देखोगे तो अलग तरीके के नाम होते हैं, बट दिस इज़ वेरी अप मार्केट, वेरी वेरी डिफरेंट। आई लव द टाइटल एंड इट डिस्क्राइब्स द होल जर्नी ऑफ द शो। इट्स एन इंटेंस लव स्टोरी ऑफ अ सुपर स्टार एंड अ कॉमन गर्ल एंड हाउ द टू डिफरेंट वर्ल्ड्स कम्स टुगेदर, कैसे एक साथ आते हैं और क्या वो आपस में उनको प्यार होगा नहीं होगा। It's very intriguing also, and yeah. Yeah, I think Jubilee Talkies is, you know, one of the most unseen shows we'll have. Very unprecedented. मैंने जब नाम सुना था, जब सौरभ सर ने बताया था, तब तो नाम कुछ और था, तब मुझे मेरी फिल्म की याद आ गई थी। Then we switched to Jubilee Talkies, and Jubilee is one term जिससे कि audiences बहुत connect करेंगी because of Jubilee, Golden Jubilee, Silver Jubilee, and that's the thought process behind Jubilee. एंड आई थिंक बहुत ही नई फ्रेश पैशनेट लव स्टोरी है विच इज़ बॉलीवुड बेस्ड, और हम बहुत कम शोज़ ऐसे देखते हैं कि जो बॉलीवुड बेस्ड हो, जिसमें बहुत सारा बहुत सारी रंजिशें भी हो, मोहब्बत भी हो, शिद्दत भी हो, प्यार भी हो। एंड आई थिंक आई एम सो प्राउड वी आर कमिंग अप विद दिस कॉन्सेप्ट। खुशी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने प्रोमो में देखा आप जी, यही केमिस्ट्री होने वाली है। तो इस शिवांगी माई कैरेक्टर, शी इज़ अ सिंपल गर्ल फ्रॉम फल्टन, स्मॉल टाउन लड़की है, फिल्मी डायलॉग्स मारती है बहुत, उसमें छोटे परिवार से है, उसके बाबा का संगम सिनेमा था जो अब उससे छीन लिया गया है, एंड दैट्स व्हेन शी एंटर्स इनटू अयान ग्रोवर्स लाइफ, द रणबीर कपूर सलमान खान ऑफ हर लाइफ, उसके सिनेमा के भगवान है वो। एंड इट्स अ वेरी अनरियलिस्टिक सिचुएशन कि एक सिंपल सी लड़की इज़ एंटरिंग अ सुपर स्टार्स लाइफ, सो एक तरह से देखा जाए तो शी ऑल्सो अर्जेस यू टू ड्रीम, यू नो, कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, कैसे भी हालात हो, एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि जब आप उस सिचुएशन में आए जहाँ पे आप अपने सुपरस्टार से रूबरू होंगे, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन इनिशियली, देयर विल बी अ लॉट ऑफ, शी विल बी वेरी ऑल स्ट्रक, और पूरा मैं आपको बताने नहीं वाली, वरना 8 बजे कौन देखने आएगा। सी, इफ यू लुक एट माय करियर, आई स्टार्टेड विद स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. So I played a character called, I was playing a student role. Then I did Chandigarh Kare Aashiqui, I was playing CrossFit champion. Then I did Bubbly Bouncer, I was playing software engineer. Then in my latest series, Namakool, I was playing a Chakku Pandey, who was a rowdy, desi guy, different accent. So I was looking forward to some different character. When I came across Jubilee Talkies, and when they narrated me the whole story, it really excited me because it was very different, it was very unconventional. It was a love story of a superstar and common girl which was very unseen. And the way they were shooting, when I spoke to Saurabh Bhai, and he was very, he narrated me so nicely, they sounded so creatively sound. So it just happened to me because I crave for different characters. And if you look at it, I have never repeated any character before. So मेरा जो मन था कि यार डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करूँगा, तो वो मुझे सुपरस्टार अयान ग्रोवर में मिला। बिकॉज अयान ग्रोवर इज़ अ सुपरस्टार, बट इट हैज़ ए डिफरेंट डायमेंशन ऑल्सो, इट हैज़ ए डिफरेंट डायनामिक रिलेशंस विद द डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द शोज। सो पीपल हैव सीन अ लॉट ऑफ सुपरस्टार ऑन स्क्रीन, बट हाउ दे बिहेव ऑफ स्क्रीन, हाउ दे आर इन देयर पर्सनल लाइफ, हाउ कॉम्प्लेक्स देयर लाइफ कैन बी, दैट वॉज रियली एक्साइटेड मी। वेरी नाइस कोड लैंग्वेज, आई मस्ट एडमिट यार, लेकिन ऑनेस्टली आई हैव बीन वेरी ट्रू टू माई वर्क, और अगर आप शिवांगी का रोल देखेंगे तो उसमें ना एक सादगी है बहुत, और वो सादगी ही उसे खूबसूरत बनाती है,
एंड हर किसी की कहानी में लव स्टोरी भी अलग होती है और लव स्टोरी के किरदार भी चेंज होते हैं और विलन्स भी चेंज होते हैं, लेकिन इसी से तो आपको नई कहानी मिलती है, अदरवाइज़ आपको नई कहानी मिलेगी कैसे। एंड किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत और मोहब्बत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपको मिलाने की साजिश करती है। सो सीइंग दिस, इफ़ यू सी फ्रॉम शिवांगीज़ पर्सपेक्टिव, आई थिंक शी इज़ ब्रिंगिंग यू टू एन एंटायर होल न्यू वर्ल्ड फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। कि जैसे कि अभिषेक ने भी बोला कि पीपल डोंट नो अबाउट हाउ इट वर्क्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, उसके पीछे की चीज़ें, और स्पेशली फॉर अ कॉमन गर्ल बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक बात रही शोहरत पाने की, तो यार आई एम 100% श्योर दैट पीपल हैव लव्ड मी इन दी अदर शोज ऑफ माइन एज वेल। और आप लोग ने मुझे जो भी ये सुन रहे हैं, आप लोगों ने मुझे थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। और इसमें भी मैंने और अभिषेक ने बहुत बहुत मेहनत झोंकी है टू मेक एजी कम अलाइव, टू मेक शिवांगी कम अलाइव, एंड टू मेक दैट केमिस्ट्री लुक फ्रेश एंड वेरी समथिंग दैट इज़ नॉट सीन बिफोर। तो आई जस्ट होप कि मेरी मेहनत रंग लाए, दैट्स ऑल आई कैन से। फैंस से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए ये हर किसी के, हर फैन के साथ होता है, उनका दिल किसी के साथ जुड़ जाता है तो जुड़ जाता है। बट नए किरदार आते हैं, नई कहानियाँ आती हैं, नए लोग जुड़ते हैं, नया प्यार मिलता है और नए फैंस बनते हैं। जो पुराने होते हैं वो आपके बन जाते हैं, जो जिन्होंने आपको पहले नहीं देखा था वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है और फैंस बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। Actually, वो किरदार को, किरदार से इतना जुड़ जाते हैं कि वो किसी और के साथ देखना नहीं चाहते। Correct, they're very emotionally involved. तो वो एक प्यार ही है जो, बट हमारे शो में भी प्यार है, तो वो जो प्यार है सबका कनेक्शन सेम होता है, तो वो जुड़ेंगे जरूर। देखो मैं, मुझे ट्रॉय का हिंदी अडेप्टेशन करना है संजय लीला भंसाली जी के साथ। अब हीरोइन कोई भी हो मुझे चलेगा। आई वुड लव टू वर्क विद ऑपोजिट शाहरुख सर एंड रणवीर सिंह। एंड वैसे तो खैर इट डजंट मैटर हु यू आर वर्किंग विद, व्हाट मैटर्स इज द स्टोरी लाइन और आपका क्या रोल है उसमें, आपकी क्या कहानी है। बट या दीज आर सम ऑफ द रोल्स एंड मे बी वी कैन इवन रिक्रिएट टाइटैनिक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बॉलीवुड में। सो या ये कहानी बॉम्बे की है। okay. तो ये कहानी तो बॉम्बे में ही हो रही है, पूरा हमारा बेस है बॉम्बे है, इंडस्ट्री बॉम्बे की है। अगर वो कनेक्ट भी करे तो कोई बात नहीं। तो मेरी तो बॉम्बे टॉकी, इससे मेरी तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। और जुबली और बॉम्बे, हाँ इट्स एक्चुअली इंटरचेंजेबल है, तो फाइनली टॉकीज ही ना, इट्स ऑल अबाउट सिंगल स्क्रीन सिनेमा, सिनेमा थिएटर, एक्टिंग, एवरीथिंग। तो हाँ दोनों चीज़ें आपको फिल्मों की दुनिया में लेके जाती हैं। मुझे अक्षय कुमार सर से के साथ काम करना है, आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद हिम। आई गॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज टू मीट हिम बट आई डिडंट मीट हिम बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम। आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम, या आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद, आई मीन एक्टर्स का तो मैंने आपको बताया शाहरुख सर, रणवीर सिंह, एंड आई इवन रियली एडमायर प्रियंका एंड दीपिका। एंड इन मेकर्स आई थिंक आई रियली वॉन्ट टू वर्क अगेन विद जोया मैम, दिस टाइम नॉट इन बॉम्बे टॉकीज, दिस टाइम इन समथिंग डिफरेंट। एंड या आई मीन वैसे तो बहुत एस्पिरेशन है।
आपने अभी तक हमें इतना टाइम इतना प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए। और जो हमारा शो है जुबली टॉकीज, शिवांगी और सुपरस्टार आयान को देखिए, उनकी लव स्टोरी को देखिए, एक इंटेंस लव स्टोरी है जो आपने आज तक नहीं देखी होगी टेलीविजन पे। और अपने दोस्तों को बताइए, सबको बताइए कि हमारा शो आ रहा है जुबली टॉकीज सोनी पर। एंड टू ऑल माई लवली लवली फैंस, जैसे आपने मुझे बाकी रोल्स में इतना पसंद किया है, एज चिक्की, एज पुटलू, एज एवरी थिंग इन आशिकाना एंड एवरी थिंग, दिस इज समथिंग, जुबली टॉकीज इज समथिंग दैट वी आर मेकिंग विद, इट्स लाइक आर बेबी, यू नो, पूरी मेहनत और शिद्दत से बना रहे हैं। बहुत अलग स्टोरी है जो हमारे सुपरस्टार अयान ग्रोवर है, आई मीन टॉकिंग अबाउट व्हाट वी हैव डन ऑन द सेट, ही इज़ ऑलवेज ट्राई टू स्टिक इन टू द कैरेक्टर इवन वाइल वी आर नॉट शूटिंग। और जो शिवांगी का कैरेक्टर है, बहुत ही सिंपल, बहुत सादगी वाला, येट वेरी स्ट्रॉन्ग और हाई स्पिरिटेड। तो ये दोनों की जो लव स्टोरी है, ये बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट होने वाली है। वी हैव असावी मैम ऑन बोर्ड, वी हैव संजय नार्वेकर सर, एंड ये आई थिंक आफ्टर ईयर्स आप ये स्टोरी देखने वाले हैं, विच इज़ सो पैशनेट, इंटेंस, बेस्ड ऑन बॉलीवुड एंड हैविंग एवरीथिंग, हर चीज़ का एक पैकेज है ये। एंड आप लोगों ने ट्रेलर्स और पोस्टर्स को इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना ज़्यादा पीपल विल लाइक इट, बट आई होप 24 जून से यू गेट हुक टू आवर शो। 24 जून इट इज़ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।